हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। किरण बेकिंग एंड कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं फ़िश की रेसिपी, तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ़िश करी बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये 600 ग्राम फ़िश ले लिए हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से धो करके एकदम साफ़ कर लिए हैं। एक बड़ा बाउल ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट है इसको ले लेंगे, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें सभी फिश को डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे फिश में अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसको 10 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। आइए चलिए अब मसाला तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसमें सरसों का दाना है इसको दे देंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लहसुन की कली, मिर्ची पाउडर और इन सब में पानी डाल करके अच्छे से बारीक पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले को पीस के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, एकदम बारीक पेस्ट बना लिए हैं। आइए चलिए अब फिश को फ्राई करते हैं। गैस पे कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिए हैं फ्रेंड्स। अब इसमें तेल डाल देंगे, तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। एकदम गैस का फ्लेम एकदम हाई पे रखें फ्रेंड्स। अब तेल में फिश को डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, दूसरे साइड ब्राउन कलर आ गया है। अब हम लोग सारे फिश को पलट देते हैं। फिश को तुरंत नहीं पलटना है फ्रेंड, थोड़ा दूसरे साइड ब्राउन हो जाए तभी पलटिए, नहीं तो फिश आपका ना टूट जाएगा। चारों साइड से ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। ये देखिए, दूसरे साइड भी ब्राउन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं फिश को। आइए अब ग्रेवी तैयार करते हैं फ्रेंड्स। गैस पे पैन रख दिए हैं, पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और ये जो तेल फ्रेंड, हम लोग फिश जो फ्राई किए हैं, जो बचा हुआ तेल है उसी तेल में हम लोग ग्रेवी बनाएंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आधा चम्मच मेथी का दाना ले लिए हैं इसको दे देंगे, मेथी दाना ब्राउन हो गया है फ्रेंड्स। अब हम लोग ये जो मसाला तैयार करके रखे थे इसको डाल देंगे। आज हम लोग फिश एकदम बिहार के स्टाइल में बना रहे हैं फ्रेंड्स, एकदम टेस्टी टेस्टी फिश करी। चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे फ्रेंड्स। मसाले को एकदम मीडियम फ्लेम पे भूनना है फ्रेंड्स,
एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, दो टमाटर एकदम बारीक काट लिए हैं फ्रेंड्स, इसको दे देंगे और सबको अच्छे से भून लेंगे। मसाले को ढक ढक कर भूंजेंगे फ्रेंड्स, ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए। मसाले का कितना बढ़िया कलर आ गया है फ्रेंड्स, ये देखिए, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। बहुत टेस्टी बनके तैयार होने वाला है फिश करी। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है फ्रेंड्स, मसाले में एकदम तेल के बुलबुले छूट रहे हैं, इसका मतलब है मसाला अच्छे से भुन गया है और टमाटर भी एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है मसाला में। अब हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए फ्रेंड्स, आप उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अगर आपको चपाती के साथ खाना है तो कम पानी डालिए, अगर आपको राइस के साथ खाना है तो ज़्यादा पानी डालिए। ग्रेवी को ढक देते हैं फ्रेंड्स और इसमें उबाल आने का वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम लोग इसमें फिश डाल देंगे। इसको ढक के थोड़ा उबाल आने देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिश हमारा एकदम बन के रेडी है। ये देखिए, अब आइए सर्व कर लेते हैं। और ये रेडी हो गया फ्रेंड्स फिश करी। चावल के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, सबके साथ परफेक्ट जाएगा ये।